आईपीएल 2022 के एडिशन का पांचवा मुकाबला आज राजस्थान और हैदराबाद की टीमों के बीच खेला गया था। इस मुकाबले में राजस्थान की जीत के बाद अब आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव, बड़े उलटफेर हुए। मैं इस वीडियो में आपको आईपीएल 2022 के एडिशन के नए पॉइंट्स टेबल बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज जो आरसीबी और केकेआर का जो मुकाबला होगा, इस मुकाबले का पॉइंट्स टेबल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये मुकाबला होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आज के मुकाबले में राजस्थान की जीत के बाद आईपीएल के पॉइंट्स टेबल की और बात करेंगे कि आरसीबी और केकेआर के मुकाबले का आखिर पॉइंट्स टेबल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 के स्थान पर अब भी मुंबई इंडियंस की टीम है, जहां पर पहले मुकाबले में मिली हार के बाद अब 0 पॉइंट्स के साथ ये टीम नंबर 10 पर है, जबकि नंबर 9 पर आरसीबी की टीम है। आरसीबी की टीम को पहले मुकाबले में पंजाब के हाथों हार मिली थी, इसी वजह से एक मैच में बिना जीत के यहां पर 0 पॉइंट के साथ ये टीम नंबर 9 पर है। कुल मिलाकर आरसीबी की टीम का जो आज केकेआर के खिलाफ मुकाबला होगा, काफी इंपॉर्टेंट इस टीम के लिए मुकाबला रहेगा। अगर केकेआर को ये टीम अच्छे खासे मार्जिन से हरा देती है तो ये टीम पॉइंट्स टेबल में यहां पर टॉप पर जा सकती है, नंबर 1 पर जा सकती है। तो आरसीबी के लिए और केकेआर के लिए, दोनों टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये मुकाबला होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आज के मुकाबले में आखिर कौन सी टीम को जीत मिलेगी। अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 के स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जहां पर चेन्नई ने भी इस साल पहले मुकाबले में हार के बाद एक मैच में बिना किसी जीत के 0 पॉइंट्स के साथ ये टीम नंबर 8 पर है, जबकि नंबर 7 पर लखनऊ सुपर जायंट्स है। लखनऊ ने भी इस साल एक मुकाबला खेला, उस मुकाबले में इस टीम को हाल फिलहाल में हार मिली है, तो बिना किसी पॉइंट के ये टीम यहां पर नंबर 7 पर है। नंबर 6 पर हैदराबाद की टीम है, हैदराबाद की टीम को आज राजस्थान के हाथों मिली हार के बाद ये टीम भी एक मैच में अब बिना किसी जीत के 0 पॉइंट्स के साथ यहां पर पॉइंट्स टेबल नंबर 6 पर। अब बात करते हैं नंबर 5 के स्थान की। तो नंबर 5 पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जहां पर गुजरात ने पहले मुकाबले में लखनऊ को हराकर अब एक मैच में एक जीत और 2 पॉइंट्स के साथ गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल नंबर 5 पर है, जबकि नंबर 4 पर यहां पर कोलकाता की टीम है। कोलकाता की टीम ने अब तक एक मुकाबले में एक जीत के साथ 2 पॉइंट प्राप्त कर रखे। केकेआर के पास मौका है कि आज इस टीम का जो आरसीबी के खिलाफ मुकाबला होगा, इस मुकाबले में आरसीबी को हराकर ये टीम नंबर 1 पर चले जाए। कुल मिलाकर केकेआर के पास आईपीएल की स्टार्टिंग में ही अब यहां पर काफी बड़ी बढ़त बनाने का मौका है। तो कुल मिलाकर आज केकेआर आरसीबी दोनों ही टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा। आप कमेंट करके बताइए कौन सी टीम को आज आप सपोर्ट कर रहे हो। बात करते हैं नंबर 3 के स्थान की। तो नंबर 3 पर पंजाब है, पंजाब ने भी काफी अच्छा स्टार्ट किया, एक मैच में एक जीत के साथ इस टीम ने भी यहां पर 2 पॉइंट प्राप्त कर रखे, जबकि नंबर 2 पर यहां पर राजस्थान की टीम है। आज के मुकाबले में मिली जीत के बाद अब राजस्थान की टीम भी डायरेक्टली नंबर 2 पर आ चुकी है, एक मैच में एक जीत के साथ 2 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है। अब बात करते हैं नंबर 1 के स्थान की। तो नंबर 1 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, मुंबई को पहले मुकाबले में हराकर दिल्ली कैपिटल्स ने एक मैच में एक जीत के साथ 2 पॉइंट प्राप्त कर रखे। तो इस तरीके से पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन बन चुकी है, जहां पर गुजरात, केकेआर, पंजाब, आरआर और दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के साथ इस आईपीएल एडिशन की शुरुआत करी है। मुंबई, आरसीबी, चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद ने हार के साथ शुरुआत करी। आप कमेंट करके बताइए आप आईपीएल 2022 के एडिशन में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी फेवरेट टीम का नाम आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।